not like everyday usual. I was just thinking to change my gym from a while. आज नए जिम का ट्रायल लेने जा रहा हूँ. So you'll have to pay $25. So another day, time to explore another gym. But यहाँ पे भी उन्होंने कुछ $11 charge करे. जोक हो गया एक मेरे साथ कि फुल टाइम यूट्यूबर की पार्ट टाइम. सो आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं. नॉट लाइक एवरीडे यूजुअल. आई वाज जस्ट थिंकिंग टू चेंज माय जिम फ्रॉम अ वाइल. आज नए जिम का ट्रायल लेने जा रहा हूँ. सो पहले से 2019 से मैंने यहाँ पे जिम ज्वाइन किया था. मैंने तभी एले फिटनेस में जाता था यहाँ पे. तो एले फिटनेस वाज क्वाइट एक्सपेंसिव और उसमें इतना एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती भी नहीं थी साथ में. बट फिर मैंने प्लैनेट फिटनेस ज्वाइन किया. प्लैनेट फिटनेस वाज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ बजट, लाइक अराउंड $20 अ मंथ. और उसमें मसाजिंग चेयर्स, हाइड्रो मसाज, टैनिंग, डी टैनिंग वगैरह, मतलब ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी. और 24/7 जिम ओपन होता था. बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे फ्री वेट्स नहीं है. यहाँ पे सिर्फ मशीन्स हैं ज़्यादातर. तो यहाँ पे मतलब बेंच प्रेस का बेंच मतलब स्मिथ मशीन पे है, लेकिन नॉर्मल रॉड नहीं है, फ्री रॉड. तो डंबल्स भी 75 पाउंड्स तक हैं, उसके ऊपर है नहीं. तो आज गुड लाइफ फिटनेस ट्राई करने जा रहा हूँ. इसके बाद आई विल ट्राई, आई गेस अराउंड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल ट्राई अनदर जिम एज वेल. I'll post that in the video and then you guys comment below and then you guys let me know ki which one did you guys find the best. I will also let you know ki membership kitni hai aur kya kya extra cheeze milti hai is membership mein. And then based on that we will make a decision ki which one to join and I'll keep you guys posted. So stay with me till the end. I'll catch you at the gym. See you guys. यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सीन हो गया मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे पता नहीं पहले भी कभी एक बार शायद आया था रजिस्टर करने के लिए. तो इन्होंने मुझे लगा फ्री पास एंट्री होगी, बट इन्होंने मुझे बोला कि आप पहले भी यहाँ पे आए हो तो वी कैन चेक इन द सिस्टम. सो यू विल हैव टू पे $25 फॉर दिस वन विजिट. तो मैंने बोला अभी कौन इनसे वहाँ पे खड़ा रहकर बहस करे, उससे अच्छा फिर $25 पे ही कर देता. देन आई जस्ट पेड माई $25 एंट्री एंड नाउ आई एम हियर इन द जिम. जस्ट टेक अ लुक कितना ज़्यादा क्राउड है इस टाइम पे. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पूरा टर्फ एरिया बनाया है इन्होंने बेसिकली क्रॉसफिट वर्कआउट करने के लिए. और वहाँ पे पूरा कार्डियो सेक्शन है सेपरेटली, उस तरफ मशीन्स के, यहाँ पे वेट ट्रेनिंग. काफ़ी बड़ा जिम है ओवरऑल. भाई इतना बड़ा जिम होने के बाद भी यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करने की बारी नहीं आ रही अपनी. यहाँ पे हर मशीन एक या दो लोगों ने पहले से ऑलरेडी बुक की हुई है. अगर मैं पूछता हूँ किसी को कितने सेट रहते हैं तो नेक्स्ट बंदा पहले आके बोलता है कि इसके बाद मैं हूँ. तो अभी तक तो मुझे एक भी मशीन फ्री मिली नहीं है. मैंने अब तक अपनी पहली एक्सरसाइज भी स्टार्ट नहीं की है, बट पूछता हूँ अभी शायद मिल जाए जल्दी. एक तो मिल जाएगी बाद में, उसके बाद और भी बाकी सारी एक्सरसाइज करने के लिए. दूसरी मशीन का अरेंजमेंट भी अलग से फिर होगी. चलो लेट्स सी. तो इस जिम में अभी तक का एक्सपीरियंस इतना खास नहीं जा रहा है. पहले ही आते हैं इन्होंने फ्री पास की जगह पैसे भरवा लिए. बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद जाके मेरी बारी आई है मशीन पे. ओवरऑल जिम तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे प्रीवियस जिम के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत सही है. क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ की एक्सरसाइज के लिए चार मशीन्स तो हैं. तो उस मामले में तो बहुत बेटर है. बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे. लेग्स का पूरा अलग से पूरा वहाँ पे बना पड़ा है. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो वहाँ पे पूरा लेग्स का सेक्शन है उस तरफ इन द कॉर्नर ओवर देयर. ये पूरा चेस्ट का सेक्शन है, चेस्ट बेंच प्रेस वगैरह बने हैं उसके आगे यहाँ. और जहाँ भी मैं बैठा हूँ ये पूरा यहाँ पे बैक का पूरा सेक्शन है. वुमेंस के लिए यहाँ पे और भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि उनके लिए
उनका जो चेंजिंग रूम है उसके अंदर ही उनके लिए पूरा फिटनेस सेक्शन भी बनाया हुआ है। मतलब कोई भी गुड लाइफ अगर आप कैनेडा में जाते हो तो वुमेंस के लिए चेंजिंग रूम के अंदर ही उनका पूरा वर्कआउट सेक्शन बना पड़ा है। तो दे हैव एन ऑप्शन इफ दे वांट टू कम एंड वर्कआउट आउटसाइड, जो दे कैन वर्कआउट आउटसाइड, और मे बी इफ दे वांट जस्ट वर्कआउट इन देयर तो वो भी वो कर सकते हैं। तो दे हैव मल्टीपल ऑप्शन। बाकी हम तो लड़के हैं भाई, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, हमको एक ही ऑप्शन मिलता है। देखो तो अभी करंटली पिछले 5-6 महीने से मैं सिर्फ श्रेड कर रहा था, तो श्रेडिंग के चक्कर में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ साइज। तो अभी फॉर 2-3 मंथ्स आई एट लीस्ट गेन करने के बाद फिर से दोबारा से श्रेड करेंगे। तो अभी विंटर का टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो इट्स द बेस्ट टाइम टू गेन राइट नाउ। तो अभी के लिए मैं गेन कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी रेप्स कम है बट वेट हैवी है। और डाइट तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है कनाडा में, मतलब खुद से काम पे जाओ, खुद से डाइट वगैरह बनाओ। बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं काम पे जाने से पहले सुबह एटलीस्ट 3-4 मील्स अपनी पहले से प्रिपेयर करके ले जाऊँ, तो उस हिसाब से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और बाकी वहाँ पे काम पे पहुँचने से 3-4 घंटे बाद आई एटलीस्ट हैव 1 मील जब भी टाइम मिले, फिर उसके बाद जिम एंड देन आई गो होम। चलो भाई आज के लिए अपना वर्कआउट तो हो गया डन यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी गुड, बट इस टाइम पे रश बहुत था। क्या पता अगर मैं कोई और टाइम पे आऊँ तो मेरी रश कम हो जाए, बट अभी के लिए बहुत था। ये हमारा मेंस चेंजिंग रूम। यूजुअली आफ्टर माय वर्कआउट मैं चेंजिंग रूम में, यहाँ पे जो मेंस लॉकर रूम है वहाँ पे आई जस्ट मेक माय प्रोटीन शेक। आई हैव 1-2 स्कूप्स ऑफ लाइक वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन के बाद आई ऐड 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन इन इट। बट क्रिएटिन मैं रोज़ नहीं लेता, लाइक समटाइम्स मे बी 1 or 2 days इन अ वीक, नॉट एवरी डे। तो स्मॉल कंटेनर्स में भर के ले जाता हूँ मैं काम पर। अपना बताऊँ यहाँ पे तो इक्विपमेंट्स वाइज तो बहुत अच्छा था, मतलब कि इक्विपमेंट्स यहाँ पे सारे हैं जो मुझे चाहिए, जो मेरे वर्कआउट में होने चाहिए। वर्सेस अगर मैं देखूँ कि रश कितना था, मेरा एक्सरसाइज करने मिली नहीं मिली, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट गुड। बट आई गेस ये ब्रैम्पटन के मेन हब में पड़ता है, यहाँ पे बस टर्मिनल भी पास में ही है ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल के पास, सो आई गेस दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पे इतना रश था। बट It was quite good. Now the next gym I will be trying tomorrow. So stay tuned until the end of this video, because kal mera dusra workout hoga aur wo naye gym mein hoga. So I will be posting that as well. Will be kal fir mera arms ka workout hoga, to wo main dusre gym mein karke and then we'll compare ki which one was the best one and kahan pe overall experience was like really good. उस बेसिस पे वी विल बी टेकिंग द डिसीजंस। और जो इनके मंथली फीस वगैरह है सब जिम्स की वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। सो स्टे विद मी गाइस, सी यू। सो अनदर डे, टाइम टू एक्सप्लोर अनदर जिम, सेकेंड जिम की जो मैंने कल बात करी थी, तो उसका नाम है, वो भी ब्रैम्पटन में ही है, उसका नाम है फ्यूजन फिटनेस। तो नाउ आई एम गोना गो देयर एंड होपफुली दे हैव फ्री पासेस, तो उनके फ्री पास पे आई विल वर्कआउट फॉर टुडे। ये जो अभी जिम है फ्यूजन फिटनेस, इसके अभी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे, जैसे गुड लाइफ हर कोने कोने पे है, तो गुड लाइफ ज़्यादा नोन है, तो इसीलिए मे बी उसमें रश ज़्यादा होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें रश कम होगा, बट
जाके देखते हैं, अभी जाके पता चलेगा कि कितना रश है और क्या है यहाँ पे सिस्टम है, कितना वेट करना पड़ता है हर एक मशीन के लिए। क्योंकि मेरा तो यूजुअल जो टाइम है आफ्टर ऑफिस, उस टाइम पे मैं जिम जाता हूँ, तो उस टाइम के हिसाब से कल वाले जिम में तो बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं एवरी डे तो डिले नहीं कर सकता कि मैं 9-10 बजे के बाद जाऊँ, तो फिर मेरा पूरा स्लीप स्केड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो इस वाले जिम में जाके देखते हैं हाउस द रश। सी यू गाइस। Since you need to speak with them, only they know about the price. No worries, I can pay $11 and then you can go ahead. And what do you want to pass? Yeah. It's 11:30. And here's the receipt if you want to come tomorrow again. So within 24 hours, if yeah. I come back? Yeah, yeah. I can show you. Okay, yes. No worries. Thank you very much. As you guys heard already, यहाँ पर भी एंट्री फीस कुछ थी, लाइक उनकी वेबसाइट पर तो ऑलरेडी मैंशन है कि इट्स गोना बी अ फ्री पास, फ्री डे पास, बट यहाँ पर भी उन्होंने कुछ $11 चार्ज करे फॉर एट लीस्ट वन डे, बट इन 24 आवर्स आई कैन जस्ट कम बैक एंड यूज़ द जिम अगेन। तो दो टाइम यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली, विच इज़ गुड। एंड बाय लीविंग आई टॉक टू द सेल्स गाइज़ एंड सी ही कितनी है अभी मेम्बरशिप, तो तब फिर मैं आप लोग बताऊँगा कि दोनों दिन के कंपेरिजन में लाइक हाउ मच इज इट मंथली बाई वीकली, एंड विच वन इज एक्सपेंसिव एंड विच वन इज मोर टाइम एफिशिएंट एंड इक्विपमेंट वाइज कौन सी बेटर है। ठीक है, आज का यहाँ पर वर्कआउट देखते कैसा होगा। बाकी यहाँ पर लॉकर रूम तो इज प्रीटी गुड एंड स्पेशियस। आई एम गोइंग टू बी वर्किंग आउट ऑन माय आर्म्स और मे बी इफ मूव किया तो आज ही एब्स कर लूँगा, नहीं तो कल के दिन आई एज यू गाइस कैन सी कि ओवरऑल मतलब साइज वाइज तो जिम तो ये भी बहुत बड़ा है, छोटा जिम तो नहीं है। इक्विपमेंट्स एंड रश के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से ऑल्सो इट्स गुड, बिकॉज इस टाइम पे यूजली कल वाले जिम में तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखो तो इसमें रश इज़ फाइन एंड आई थिंक सो इट्स, मशीन भी ज़्यादा बिजी नहीं है। एंड ये थोड़ा इन्होंने बनाया है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए, वीडियोज़ रील्स एंड फ़ोटोज़ के लिए इन्होंने ज़्यादा फोकस करके बनाया है, इसलिए लाइटिंग भी वैसी रखी है। So let's start with our workout here today. So 5 sets, 5 reps, as heavy as I can and as correctly as I can. तो जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जिम की वाइब ओवरऑल लाइटिंग वगैरह बहुत सही है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे वर्कआउट करके, और ज़्यादा बिजी भी नहीं है जैसे कि कल गुड लाइफ था। हर एक मतलब प्रॉपर जो इक्विपमेंट मुझे चाहिए वो टाइम टू टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे वेट करना पड़ रहा है जो भी है, या फिर ये हर बार ऐसे होता है या तो आज लक साथ दे रहा है, बट ओवरऑल सही है अभी तक। Thank you.
वर्कआउट तो यहाँ पे कर लिया, बहुत सही था। रश वश के हिसाब से भी सब कुछ टाइम पे मिलता रहा अपने को। अभी टाइम है प्राइसिंग पता करने का, सो वन गैस फिगर आउट द प्राइसिंग, देन आई विल गिव यू गाइस द इंफॉर्मेशन कि क्या सीन है यहाँ का। हालत हो गई भाई, गेनिंग इज नॉट ईजी, यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। Hi, is there anybody I can speak to regarding the monthly prices and stuff? Yeah. You want to speak right now? Yeah, like if I can just get an idea like how much is going to be monthly or bi-weekly, whatever. About the membership prices? Yeah. Do you want to speak about that? Like we have someone that we only till 10, but he's working out. If you want me to call him, he will help you out if you want. Yeah, I can just have a like 2 minutes talk and then I can just leave. Yeah, sure, just give me a second. Okay. Oh, brother, here it's a जोक हो गया एक मेरे साथ। मतलब मेरे को एक बंदा आके पूछता है जिम में कि ब्रो लाइक डू यू आर यू ए यूट्यूबर, तो मैंने बोला कि यस आई डू यूट्यूब। तो आगे से मुझे बोलता है कि लाइक फुल टाइम यूट्यूबर एंड स्टफ, तो मैंने बोला कि या लाइक आई काइंड स्टार्टेड यूट्यूब। लाइक भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई फुल टाइम यूट्यूबर करके भी कोई चीज़ होती है। लाइक हमने तो भाई स्टार्ट किया है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, बट ये कुछ नया ही सुनने को मिला कि फुल टाइम यूट्यूबर कि पार्ट टाइम भी होता है इसमें, तो पार्ट टाइम कर लेंगे भाई। सब ब्रदर हाउ आर यू? गुड टू मीट यू ब्रो। आई एम इंटरेस्टेड इन द मेंबरशिप, बट आई वुड लाइक टू नो फर्स्ट लाइक आई एम जस्ट कंपेयरिंग वेरियस जिम्स, सो आई एम जस्ट गोना सी लाइक हाउ मच इज गोना बी मंथली हियर एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा एनिविटीज दैट आई एम गोना गेट। ओके, सो थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। No worries, I'm not gonna interrupt you much on your workout. Membership or yearly annual fee bhi hai yahan pe. So now let's talk about the pricings. Ki dono gym mein kya differences the. See, overall if we compare with Good Life Fitness or Fusion Fitness. So membership mein jo bhi saath mein included hai, wo to sab kuch same hi hai. Ki steam room hai, shower hai. तो सब कुछ है, इंडिविजुअल सेशंस एंड देन ग्रुप सेशंस, ये सब लाइक विच आई एम नॉट गोना यूज़ मच। बट इफ़ आई टॉक कि मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे को जो जो चाहिए उस हिसाब से, आई विल बी ऑनेस्ट कि इक्विपमेंट वाइज बोथ द जिम्स वर ओके, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स मुझे चाहिए वो सारे हैं दोनों जिम्स में। बट अगर रश वाइज देखा जाए तो यहाँ पे भी रश था, बट जो जो मुझे चाहिए थी वो सारी इक्विपमेंट्स वर अवेलेबल, लाइक आई डिडंट हैव टू वेट। कल मुझे गुड लाइफ फिटनेस में काफ़ी वेट करना पड़ रहा था लाइक टू यूज़ एवरी सिंगल इक्विपमेंट, और मे बी आई कैन जस्ट से कि वहाँ पे बैक सेक्शन के जो भी वर्कआउट था वो सारे बिजी था। मे बी अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव बीन डूइंग बैक यस्टरडे। सो ओवरऑल बोथ द एक्सपीरियंसेस वर गुड। हाँ, वहाँ पे वेट ज़्यादा करना पड़ा, यहाँ पे वेट नहीं ज़्यादा करना पड़ा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फीसेस, तो इफ़ आई ज्वाइन गुड लाइफ, तो गुड लाइफ में आई डोंट हैव एनी ज्वाइनिंग फीस, बट देयर इज लाइक अ ईयरली एनुअल फीस फॉर अराउंड $100 एंड बाई वीकली मेरी जो फीस होगी वो $38 इंक्लूडिंग टैक्सेस होगी। एंड इफ़ आई ज्वाइन फ्यूजन फिटनेस, यहाँ पे जो एनुअल फीस है वो $50 है और ज्वाइनिंग फीस कुछ $19 that is supposed to be waived off, like he as he said कि जो joining fees है वो waive off हो सकती है, but annual fee and जो bi-weekly fees होगी वो होगी $19 every 2 weeks, so $49 yearly and $19 every 2 weeks. As compared to Good Life Fitness, this is much cheaper. So you guys comment down below which one did you guys see and liked it, कि कौन सा ज़्यादा आप लोगों को better लगा in terms of pricing and everything. Comment down below and we will take a decision ki which one is gonna be the best. Thank you guys if you guys watched the video until the end, and please subscribe to my YouTube channel. Help me reach around 600 subscribers after this video, and we'll see you in the next one. Thank you very much.